हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टारडस में। और यार आज की इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के यंग जनरेशन के स्टार एक्टर हर्षवर्धन कपूर का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आवीवर के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीवर्स, हर्षवर्धन कपूर 80s और 90s के सुपरस्टार एक्टर अनिल कपूर के बेटे हैं। हर्षवर्धन कपूर ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 2016 में रिलीज होने वाली मूवी मिर्जिया, जिसे डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, उनकी डायरेक्शन में डेब्यू किया था हर्षवर्धन कपूर ने। और अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हर्षवर्धन कपूर कितनी मूवीज में काम कर चुके हैं, उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो की कंप्लीट डिटेल के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यार अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था मिर्जिया फिल्म से। ये फिल्म डायरेक्ट की थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। फिल्म की लीड कास्ट में हर्षवर्धन कपूर, सियामी खेर और अनुज चौधरी शामिल थे। ये फिल्म 7 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। मिर्जिया एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 4.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 63 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 10 करोड़ 43 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 13 करोड़ 46 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर मिर्जिया, जो कि हर्षवर्धन कपूर की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। विक्रम आदित्य मोटवानी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी भवेश जोशी सुपर हीरो। फिल्म की लीड कास्ट में हर्षवर्धन कपूर और निशिकांत कामत शामिल थे। ये फिल्म 1 जून 2018 को रिलीज हुई थी। भवेश जोशी सुपर हीरो एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 7.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 21 करोड़ और इसने इंडिया में जस्ट 1 करोड़ 45 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2 करोड़ 52 लाख और बॉक्स ऑफिस पर भवेश जोशी सुपर हीरो भी एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स के जरिए डिजिटली रिलीज होने वाली सीरीज AK वर्सेस AK, अनिल कपूर स्टारर इस सीरीज में हर्षवर्धन कपूर ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली सीरीज रे के एपिसोड स्पॉटलाइट में हर्षवर्धन दिखे थे। ये वेब सीरीज 25 जून 2021 को नेटफ्लिक्स के थ्रू ऑनलाइन दिखाई गई थी और ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिल वेब सीरीज थी, जिसे IMDb 10 में से 7.1 स्टार दिए गए थे। राज सिंह चौधरी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी थर। फिल्म की लीड कास्ट में हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर, फातिमा सना शेख और जितेंद्र जोशी शामिल हैं और ये फिल्म आपको 6 मई 2022 को नेटफ्लिक्स के जरिए डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई है। आजकल ये ऑनलाइन देखी जा सकती है। थर एक एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी है और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये डिजिटली रिलीज हुई है। थिएटर्स पर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है और यही एज एन एक्टर हर्षवर्धन कपूर की अब तक की रिलीज आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। और यार हर्षवर्धन कपूर की अपकमिंग मूवी की बात करें तो उनकी आने वाली मूवी अभिनव बिंद्रा की बायोपिक मूवी है, जिसे डायरेक्ट करेंगे कनन अय्यर। और इस बायोपिक मूवी में लीड कास्ट में शामिल होंगे हर्षवर्धन कपूर और अनिल कपूर और ये एक बायोग्राफी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी आपको 2022 या 2023 में थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। तो यार ये थी अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की रिलीज तमाम मूवीज और वेब सीरीज की कंप्लीट डिटेल। तो उनकी रिलीज इन मूवीज और वेब सीरीज में आपकी फेवरेट कौन सी मूवी या कौन सी वेब सीरीज है, कमेंट सेक्शन में सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और 80 और 90 के दशक के सुपरस्टार एक्टर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर क्या अपने पिता समान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा पाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही वर्ष को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में साथ स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।